पिछले दिनों में संसद में ऑक्सीजन को लेकर दिए गए सरकार के बयान के खिलाफ आज इंदौर में कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने ऑक्सीजन सिलेंडर पर फूल माला चढ़ाकर मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव विवेक खंडेलवाल के नेतृत्व में आज अनोखा प्रदर्शन किया गया, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर के कारण देश के करोड़ों लोगों की जान बची। आज वो इस झूठी सरकार के बयान से दुखी होकर आत्महत्या कर ली। भाजपा सरकार ने संसद में इतिहास का सबसे बड़ा झूठ बोला कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई है। कई प्रदेशों के उच्च न्यायालय ने कई बार केंद्र सरकार को ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति के लिए फटकार लगाई, मगर झूठी सरकार द्वारा उन लाखों लोगों की मौत का मजाक उड़ाया गया। वहीं कांग्रेसियों ने झूठी मोदी सरकार हाय हाय मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। बंद करो, बंद करो, बंद करो, निजी झूठ बोलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज ये कार्यक्रम आपने किस विषय के लिए किया है? युवक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव, गिरीश जोशी, पीके उपाध्याय जी और सुनील अवधिया जी के, संजय शुक्ला जी के नेतृत्व में आज हम लोगों ने कार्यक्रम करा है और हमने ये बताया कि केंद्र की मोदी सरकार कितनी झूठी सरकार है। आज देश के अंदर 1 करोड़ लोगों से ऊपर मर गए, लोगों ने अपने लोगों को खोया। देश ने ये देखा कि किस तरह ऑक्सीजन के लिए लोग दर दर भटक रहे थे और केंद्र की मोदी सरकार राज्यसभा में कहती है कि देश के अंदर एक भी आदमी बिना ऑक्सीजन के नहीं मरा है। तो इस निर्लज और झूठी सरकार के बयान से दुखी होकर जिस ऑक्सीजन सिलेंडर ने करोड़ों लोगों की जान इस देश के अंदर बचाई है, वो शर्मिंदा होकर आज उसने आत्महत्या कर ली है। इस निष्ठुर, इस निर्दयी, इस मानवीयहीन सरकार के खिलाफ आज उस ऑक्सीजन सिलेंडर ने जिसने करोड़ों लोगों की जान बचाई है, आज उसने अपने आप को शर्मिंदा होकर आत्महत्या कर ली है।